मैं मीडिया के माध्यम से मोहम्मद अयाज खान, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 हायर सेकेंडरी स्कूल पटना जी से। तो हमारे आज का ये प्रोटेस्ट का मकसद ये है कि हमारे जो स्कूल हैं वो 2 साल के बाद खुले हैं, तो हमारे इन 2 सालों में हमारी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन अब हम चाहते थे कि जैसे हमने इन 2 सालों से पहले पढ़ाई की, हम फिर से वही पढ़ाई शुरू करें। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। हमारे पास 11 लेक्चरर्स में से एक लेक्चरर है, मास्टर ग्रेड में से एक मास्टर है। तो हम मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं सबसे पहले कि जिन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया, और मीडिया ही एक ऐसी टीम है जिसकी वजह से हमें हमारे बैकवर्ड इलाकों के जो हम लोग हैं, हमारी आवाज़ जो है फॉरवर्ड इलाकों तक पहुंचती है। तो मैं पटना जी की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि हमें स्टाफ दिया जाए, हमारी मांगे पूरी की जाए। हम गवर्नर साहब से, एलजी साहब से ये अपील करते हैं कि हमारी मांगे जो है पूरी की जाए, हमें स्टाफ दिया जाए। जो है यहाँ पे स्टाफ नहीं है, सिर्फ एक लेक्चरर है। मैथ का कोई लेक्चरर नहीं है, साइंस का कोई लेक्चरर नहीं है, सिर्फ एक इंग्लिश का लेक्चरर है। 9th क्लास से शुरू होती है, बच्चे का कैरियर बनता है। तो हमारे पास जब टीचर्स नहीं है तो हमारा कैरियर किस तरह से बनेगा? तो हम चाहते हैं कि हमें स्टाफ दिया जाए, हमारा कैरियर बना जाए। आज तो हम बच्चे हैं लेकिन कल को हम इस समाज का फ्यूचर होंगे। तो हमारी ये मांग है, साहब से, तहसीलदार साहब से, डीसी साहब से, खास करके हम एजुकेशन मिनिस्टर से ये गुजारिश करते हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाए, हमें स्टाफ दिया जाए। तो आज का हमारा यही मकसद था कि हमें स्टाफ दिया जाए। तो हम इन्हीं अल्फाजों से आपसे विदा लेना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, हमारी मांगे पूरी की जाए। हमें उम्मीद है कि आप हमारी जो है इस मांग को पूरी करेंगे।